किसान साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके मनपसंदीदा यूट्यूब चैनल साधुवाद केसरी में। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो छोटी जरूर है लेकिन आपको इतना इंटरेस्ट और इतना मज़ा आएगा कि आप भी दिल खुश हो जाएगा कि सोनू भाई आज बड़ी धमाकेदार खुशखबरी लेकर आएँ। लेकिन ऐसे दलाल चंद चतुकारे जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये बिल्कुल रियलिटी बात है। क्योंकि सत्य पे आँच हारे कोई उंगली उठा देता है लेकिन सत्य कभी झुकता नहीं है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज मैं आपको तीन बड़ी खबरें बताने वाला हूँ और ये तीनों बड़ी खबरें आपके आलू के दामों में ज़बरदस्त इजाफा कर देंगी। और ये खबर है, सबसे पहले जैसा कि आप मेरे साइड में देख रहे हैं, ये खबर है आगरा से। यहाँ पर आगरा में आज जो है गाड़ियाँ आलू खरीदा गया है, दो लॉट खरीदे गए हैं और दो लॉट ही 911 रुपये प्रति पैकेट से शुरुआत हुई है और 1050 रुपये प्रति पैकेट तक आलू के दाम लगे हैं। और ये आलू जो है ख़रीदा है आगरा के मशहूर आलू व्यापारी महावीर सिंह सिसोदिया जी ने, और ये ख़रीदा है एक किसान से जो कि सैमरा के रहने वाले हैं। उन किसान से भी कल सुबह हम आपको बात कराएंगे। फिलहाल मेरे साथ में पर्ची है, आप इसे देख सकते हैं। ये पक्की रसीद है, जो कोल्ड स्टोर वाले व्यापार करते हैं वो वाली रसीद है, इसे आप गौर से देख लीजिए। इसके बाद में आप बात करते हैं आप लोगों के एक नई चर्चा की। नई चर्चा क्या है? नई चर्चा है कि आलू जो है नया बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब आलू की मिट्टी ख़राब होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है किसान भाइयों। क्यों? क्योंकि ये जो आप मेरे पिसाब ये देख रहे हैं ना, ये जो है आप अमरोहा के करकोला गांव का है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये साफ लिखा हुआ है, किसानों से आलू खरीदने दूर दूर से व्यापारी आ रहे हैं, यानी कि अमरोहा पहुँच रहे हैं, कोई गाज़ियाबाद से, कोई नोएडा से, कोई बुलंदशहर से, कोई कहाँ से। यहाँ पर पहले जो आलू के दाम चल रहे थे 800 रुपये और 850 रुपये, अब यहाँ पर पहुँच गए 950 रुपये प्रति पैकेट। 950 रुपये प्रति पैकेट कौन सा आलू? नया आलू, ठीक है। अब इसके लास्ट में ये देखिए, एक और स्क्रीन शॉट आपके पास में, अब आप देखते जाइए इसमें क्या लिख रहा है। इसमें साफ लिख रहा है कि जो आलू है वो निकल रहा है 5 से 6 कट्टे का बीघा। अब आप एक अनुमान व्यक्त कर लीजिए कि अगर एक बीघा में 5 से 6 पैकेट निकल रहा है तो किसान भाइयों, क्या वो आपके दिमाग पूरे इतने देश की जनसंख्या, इतनी बड़ी देश की जनसंख्या, क्या उसकी पूर्ति कर सकता है? कर सकता है तो बता दीजिए, नहीं कर सकता तो कमेंट में ज़रूर बता देना। लेकिन मेरी राय है, 51 करोड़ की देश की जनसंख्या इससे ऊपर है, अनुमानित है, ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन कि ये पूर्ति करना असंभव है। ऐसे ही हर ज़िले से, होशियारपुर से या ऊना से, ऊना में तो खुदाई बंद हो गई किसान भाई, आपके लिए खुशखबरी है, ऊना में तो खुदाई बंद हो गई क्योंकि वहाँ पे आप आलू की गेहूँ की बुवाई शुरू हो गई। ऐसी ही कंडीशन होशियारपुर में, ऐसे ही कंडीशन आपके फर्रुखाबाद कन्नौज से, यानी कि निकल क्या रहा है 6 से 12 कट्टे का बीघा। ऐसा अमरोहा में भी निकल रहा है 6 से 12 कट्टे का बीघा, लेकिन ये कभी पूर्ति नहीं कर सकता पूरे ऑल इंडिया के आलू की। डिमांड हमेशा पुरानी की है। आज भी आपने देखा होगा 1150 रुपये प्रति पैकेट बंगलुरु में का है। साउथ में सारी मंडियां 26 रुपये किलो, 28 रुपये किलो, 30 रुपये किलो तक रही हैं आज, और आगे जाके और भी इजाफा देखने को मिला है क्योंकि कॉलर डिम्बिम ये सारा कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ पूरा दारोमदार उत्तर प्रदेश पर है। बात कर लेते हैं अब एटा की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो साइड में कॉर्नर में है, कितनी परसेंट की निकासी हो गई है? अब आपके सामने आलू मात्र 10% का ही बचा है। अब 10% में अब एक और देख लीजिए, अब ये क्या है? खुद कोल्ड स्टोरेज के मालिक कह रहे हैं, सचिव कह रहे हैं, और यहाँ तक कि उद्यान विभाग के सचिव भी कह रहे हैं 10% बचा है। आप जान सकते हैं 10% कोई ज़्यादा नहीं होता है। अब सबसे बड़ी बात है, आप लोग फैल जाते हैं कि भाई हम गुमराह हो जाते हैं, ऐसे दलाल किस्म के आलू माफियाओं के सामने घुटने मट्टे की है। जैसे सोनू चौधरी है तो घबरा क्यों रहे हो? दुगनी रफ्तार से बार करो, मैं कह रहा हूँ दुगनी रफ्तार से बार करो। अब बात कर लेते हैं आपके हाथरस की। ये अमर उजाला है, इसी में देख लीजिए, कटिंग देख लीजिए क्या कह रहा है ये अमर उजाला। टमाटर 100 रुपये किलो और आलू 30 रुपये किलो, ये रेट हाथरस में है। अब आप यहाँ से क्या अनुमान व्यक्त कर रहे हैं, रेट इंक्रीजेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? लेकिन जो चंद दलाल किस्म के जो व्यापारी हैं जिनकी आंखों में सुअर का बाल है, ये आप लोगों को पनपने दें नहीं देंगे। ये कहीं ना कहीं फॉल्ट मार रहे हैं, कैसे भी करें। लेकिन किसान भाइयों, अब आपको घबराना नहीं है, अब आपके आलू बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, अब डाउन नहीं होगा। आप गंगा जी उठवा लें, भगवान की कसम खा लें, चाहे किसी की कसम उठवा लें, लेकिन अब आलू जो है डाउन होने वाला नहीं है। ये जो एक प्रोपगेंडा फैला रहे हैं कि आलू को सस्ती दरों पे खरीद लें, कोल्ड वालों ने अपने एजेंट बिछा दिए, 650-700 से ज़्यादा नहीं लग रहे। यही हालत हर कोल्ड स्टोर में हो गई है। तो क्या कारण है कि आप लोग 600-700 बताते हैं? कारण यही है इसका, कि जो कोल्ड स्टोरेज और इनका एक गैंग चल रहा है, ये इस आलू को सस्ती दरों पर खरीदने की फिराक में घूम रहे हैं। तो किसान भाई, मेरा आपसे निवेदन यही है, 2000 रुपये प्रति पैकेट से कोई किसी का माई का लाल नहीं रोक सकता कि 2000 रुपये पैकेट से नीचे रहे, 2000 पैकेट से ऊपर जाएगा। लेकिन
कब जाएगा, ये 7-8 दिन में हो जाएगा। आप लोगों को घबराहट होती है कब जाएगा। कुछ ऐसे जिनके आंखों में सुअर का बाल होता है ना, जो व्यापारी हैं, वो चैनल पर कमेंट करते हैं, तो क्या है कि आप कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा जाते हैं, देखें कमेंट में क्या है। तो ऐसे लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि जूतों से स्वागत करूंगा, भूल मत जाना। सोनू चौधरी कहते हैं किसानों को, अब मैं उनका हक दिला के रहूंगा। किसान चाहे मेरी वीडियो शेयर करे या नहीं करे, लेकिन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ हूँ। तो याद रखना, अनर्थ नहीं होने दूंगा। आपका किसानों का आलू 2000 प्रति पैकेट बिकेगा, कोई माई कलाल तुम्हें जितनी दम हो ना लगा लेना। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ कहूँगा, कोल्ड स्टोर में अगर 600 रुपये या 700 रुपये प्रति पैकेट आलू बिक रहा है तो कतई मत बेचो, तुम्हारी कसम, आपने अपने आप की कसम खा रहा हूँ मैं, अपने सारा कुछ कह रहा हूँ मैं आप लोगों से, जिसको मैं मानता हूँ, आप लोगों के आलू 2000 रुपये प्रति पैकेट ही बिकेगा। कोल्ड स्टोर में पे जाना छोड़ दीजिए, कोल्ड स्टोर में पे आलू अपना बेचना ही बंद कर दीजिए, कतई मत बेचिए अपना आलू, अपने आप सेंटर में आ जाएंगे। तो यही मेरा निवेदन है, आलू आपका 2000 रुपये प्रति पैकेट बिकेगा, कोल्ड स्टोर में जाना छोड़ दीजिए। धन्यवाद किसान साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, किसानों को जागरूक करने का प्रयास करना। आलू किसान है संगठन बना लीजिए, और चूँकि आगे जाके हमारा शोषण ना हो, अभी से तैयारी कर लीजिए। तो धन्यवाद किसान साथियों, आपका रात्रि शुभ हो।